अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने वाले हैं केक, और केक की डेकोरेट देख के आप खुद समझ गए होंगे हम स्पेशल क्रिसमस केक बना रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल रूबीज़ बेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्रिसमस केक बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडे लेंगे, और यहाँ पर देखें हमने 4 अंडे लिए। अंडों को हम व्हिप्ड कर लेंगे, और हम जब तक व्हिप्ड करेंगे जब तक अंडों की डबल क्वांटिटी नहीं हो जाती है। तो हैंड ब्लेंडर को पहले हम स्पीड करेंगे स्लो स्पीड पे, और फिर उसके बाद में मीडियम कर देंगे, फिर एकदम हाई स्पीड पर कर देंगे। तो हमें यहाँ पर 2 मिनट हो गए, अंडों की क्वांटिटी देखिए यहाँ पर डबल हो गई है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम एक चनी लेंगे और चनी में डाल देंगे शुगर। हमने 1 कप इसमें शुगर का यूज़ किया है, और अभी हम अच्छे से छान लेंगे। तो हमने अंडों में शुगर ऐड किए, 1 मिनट और अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे। तो शुगर हमने अच्छे से व्हिप्ड कर लिया अंडों के साथ में। इसमें अब हम डालेंगे बटर, तकरीबन हम इसमें 50 ग्राम बटर डाल देंगे, और बटर को हमने मेल्ट किया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे बटर होना चाहिए जब आप इसमें व्हिप्ड कर रहे हैं तो। और इसके बाद में हम 3 से 4 ड्रॉप डाल देंगे वेनिला एसेंस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में। और बटर और वेनिला एसेंस डाल के भी अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर की हम स्पीड को स्लो ही रखेंगे अभी, तो 1 से 2 मिनट अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद में हमने ये 1/2 कप लिए है मैदा, इसको भी हम छान लेंगे और छान के अंडों में अच्छे से फोल्ड एंड कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जितने स्मूथली हाथ से आप फोल्ड एंड कट करेंगे केक का स्पंज उतना ही फ्लफी और फुला हुआ बनेगा, एकदम से सॉफ्ट बनेगा। अगर फोल्ड एंड कट सही नहीं हुआ तो स्पंज एकदम से हमारा हार्ड बनेगा। और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर, 1/2 कप हमने इसमें कोको पाउडर डाला है, और इसके बाद में 1 टेबल स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम स्मूथली हाथ से फोल्ड एंड कट करेंगे। अदरवाइज़ केक के बेटर की अगर कंसिस्टेंसी रिबिन वाली नहीं हुई तो उससे क्या होगा, ज़्यादा परफेक्ट स्पंज नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेटर बनके तैयार हुआ है रिबिन वाला है। तो टिन को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा था, अच्छे से टेप कर लेंगे, इससे क्या होता है केक का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो हमने केक को ओवन में बेक कर लिया है, और कितना परफेक्ट इसका स्पंज बन के रेडी हुआ है। अभी हम केक को डिवाइड करेंगे 3 लेयर में, और केक को मैं 3 लेयर में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 लेयर में भी आप केक को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया है, हमने 3 लेयर में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्रीम लेंगे, 1 कप हमने क्रीम लिए, और इसको भी अभी हम ब्लेंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर को पहले स्लो स्पीड पर रखेंगे, फिर हम मीडियम कर देंगे, और उसके बाद में फिर हम एकदम से हाई कर देंगे। 2 से 3 मिनट में देखिए यहाँ पर क्रीम भी बहुत अच्छे से परफेक्ट रेडी हो गई है, और जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ठीक हमें तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्रीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डाल देंगे, और चॉकलेट डाल के भी सिर्फ 1 मिनट अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे। तो चॉकलेट क्रीम को हमने परफेक्ट रेडी कर लिया, इसे अभी हम साइड में रखेंगे और चलते हैं केक की अभी डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने केक बेस किया है, थोड़ी सी चॉकलेट क्रीम लगा देंगे, और पहली लेयर रख देंगे और शुगर सिरप से अच्छे से इसे मॉइस्चर कर देंगे, और चॉकलेट क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर। शुगर सिरप आप बना रहे हैं तो 1/2 कप पानी ले लें, और उसमें 3 टेबल स्पून शक्कर डाल दें, और शक्कर को अच्छे से उसमें घोल लें, फिर उसके बाद में शुगर सिरप आपका रेडी हो जाएगा। तो आप चाहे तो पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर डाल देंगे चॉकलेट, चॉकलेट डाल के भी अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे हर साइड में। तो पहली लेयर रेडी हो गई है, अब हम सेकंड लेयर रख देंगे केक की, और इसको भी अच्छे से मॉइस्चर करेंगे।
केक को आप जितने अच्छे से मॉइस्चर करेंगे केक इतना ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा। अब हमने अच्छे से मॉइस्चर कर लिया है सेकेंड लेयर को और इसके ऊपर भी हम चॉकलेट क्रीम रख देंगे और इतना टेस्टी ये केक बनने वाला है जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं मार्केट वगैरह से, बिल्कुल वैसे ही बनेगा या फिर बेकरी से लेकर आते हैं, इतना सॉफ्ट ये केक बनने वाला है। तो हमने थोड़ी सी चॉकलेट और इस पर डाली है, अच्छे से हमने चॉकलेट को भी मेल्ट किया है, तकरीबन आधी कप चॉकलेट हमने मेल्ट की। और अभी हम केक की टॉप लेयर रख देंगे यानी हम थर्ड लेयर रख देंगे, इसको भी अच्छे से मॉइस्चर कर लेंगे। तो केक को हमने बहुत अच्छे से मॉइस्चर कर लिया है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम, इसमें हमने वाइट क्रीम का यूज़ करना है। तो पहले हम ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे क्रीम को, फिर उसके बाद में हम साइड में अप्लाई करेंगे। पाँच मिनट के लिए अभी फ्रिज में रख देंगे केक को और 5 मिनट के बाद और अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हम क्रीम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक ही तरीके से उस पर क्रीम लगाते जाएंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ में क्रीम नहीं लगेगी। तो हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था केक और यहाँ पर देखें एकदम से फिनिशिंग के साथ में अभी वापस से क्रीम अप्लाई कर लेंगे। और जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं एकदम से डिज़ाइनर केक, तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम की कोन लिए खाली कोन और मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है, एक मैंने बड़ी वाली है 6 इंच की और दूसरी छोटी वाली 3 इंच का कट किया है मैंने। अब थोड़ी थोड़ी 3 से 4 इंच की दूरी पे हम अच्छे से सेट कर लेंगे यानी हम चिपका देंगे आइसक्रीम की कोन को और इसके ऊपर हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा ट्री बन के तैयार होगा और बहुत ही अमेजिंग सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस केक बन के रेडी होगा। तो हमने क्रीम लगाने के बाद 5 मिनट के लिए फ्रिज में और रख दिया था केक को, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है अगर आप बीच बीच में फ्रिज में 5 मिनट के लिए केक को रख देते। और मैं जो यहाँ पर नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ, छोटी वाली नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ स्टार नोज़ल, तो इससे बहुत अच्छी ट्री बनेगी और ऊपर तक अच्छे से हम ट्री बना देंगे। तो फाइनल यहाँ पर देखिए एक ट्री हमारी रेडी हो गई है। अब हम सारी ट्री इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और ऊपर की साइड में हम 3 ट्री का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कोन का यूज़ किया है, तो ऊपर की ट्री और नीचे की हमारी ट्री सब बन के रेडी हो गई है। ट्री को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम छोटी छोटी इस पर बॉल्स बना देंगे रेड कलर की, तो जो ट्री है वो और भी ज़्यादा क्रिसमस में जो ट्री होता है बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार ये ट्री बन गए और केक हमारा बन के रेडी। तो ऊपर छोटी छोटी बॉल्स हमने रेडी कर लिए, अब इसी तरीके से हम नीचे भी बॉल्स बना लेंगे। और यहाँ पर हमने कोई नोज़ल का यूज़ नहीं किया है, पाइपिंग बैग का यूज़ किया है। और ये जैसे ये क्रिसमस केक है तो इस पर आइस तो बनाना बनता है, तो इस पर हम आइस किस तरह से बनाएंगे चलिए। यहाँ पर हम लेंगे छन्नी और 4 टेबल स्पून लेंगे शुगर, शुगर को अच्छे से हम छान देंगे केक के ऊपर। तो ये बन गई आइस और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है अभी हमारा केक, ट्री के ऊपर हमने आइस का यूज़ किया है। तो बहुत आइडियाज़ के बाद मैंने इस केक को रेडी किया है और केक की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, दोस्तों और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जब ये केक बना रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें आपका केक कैसा बना, आप मुझे कमेंट करते मुझे बेहद पसंद है आपके कमेंट पढ़ना, मैं सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ती हूँ। तो आप इंजॉय करें क्रिसमस केक को और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।